wedding season is here. And according to CAIT report, approx 38 lakh marriages would be conducted in this season. And uska estimated expenditure hai 4.74 lakhs crore, whopping, right? जहाँ मैरिज सीजन है वहाँ गिफ्ट भी होते हैं, और जहाँ गिफ्ट है वहाँ कहीं ना कहीं टैक्स भी है। मैं सीए राहुल जैन, हेड ऑफ टैक्स एट ओयो, इस वीडियो में आपको उन गिफ्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इंडियन इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है एंड उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 रुपीज़ से, तो हम उस गिफ्ट की वैल्यू को टैक्स करेंगे और उसको आपको उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन एक एग्जेम्पशन भी बोलता है टैक्स लॉ, वो ये बोलते हैं उस एग्जेम्पशन के हिसाब से कोई भी गिफ्ट अगर आप ओकेजन ऑन द मैरिज पे रिसीव करते हो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स उस गिफ्ट पे आपको टैक्स नहीं देना। एंड जनरली वो जो गिफ्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कार्स, ज्वेलरी, शेयर्स, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज, ड्राइंग्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर आपको याद हो जैन 2023 में केएल राहुल की शादी हुई थी और उसको कितने सारे गिफ्ट्स मिले थे, लाइक 50 करोड़ का फ्लैट मिला था, बीएमडब्ल्यू कार, ऑडी कार, बाइक, डायमंड नेकलेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि इस एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए या इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशन जरूर मीट करनी पड़ेंगी। तो चलिए वो समझते हैं वो कंडीशन क्या है। फर्स्ट इवेंट, आपको जो गिफ्ट रिसीव करना है वो होना चाहिए ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। दैट मीन्स एंगेजमेंट नहीं, जो उससे पहले होती है, दैट मीन्स विदाई नहीं या बर्थडे नहीं या मैरिज एनिवर्सरी नहीं, सिर्फ ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। एंड इसमें एक बात और समझनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट आपको मैरिज डे में मिले, इट शुड बी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज की वजह से आपको एक गिफ्ट मिला है, मैरिज डे पे नहीं। इवेंट इज ऑल द ओकेजन ऑफ मैरिज, रिसीव पे कौन होना चाहिए उस गिफ्ट का, वो मैरिड कपल, वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए। तो मेक श्योर करो जो भी गिफ्ट आपको रिसीव हो वो आपके नेम पे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स पे नहीं हो। अगर वो फैमिली मेम्बर्स पे होता है तो आपको वो गिफ्ट की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। गिवर कौन होता है, वो गिफ्ट कौन दे सकता है, वो भी एक इंडिविजुअल ही हो सकता है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, दैट मीन्स आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर, चाहे वो आपका नॉन रिलेटिव हो, क्लोज फैमिली मेम्बर्स ना हो, लेकिन वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अगर आपको गिफ्ट किसी कंपनी, किसी एंटिटी, HUF या किसी में भी मिलता है जो इंडिविजुअल नहीं है, तो आपको वो गिफ्ट की एग्जेम्पशन नहीं मिले। नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि आपको मैरिज गिफ्ट की अगर एग्जेम्पशन क्लेम करनी है तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपने ये गिफ्ट मैरिज पे मिला है, और उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड और प्रूफ होता है फोटोग्राफ। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप किसी से गिफ्ट रिसीव करते हो तो एक ट्रेडिशन है कि आप फोटो क्लिक कराते हो, तो कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफ आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है कि आपने वो वेडिंग, वो जो गिफ्ट है वो वेडिंग की ओकेजन पे लिया, राइट? ये तो है वो कंडीशंस जिनको अगर आप मीट करते हो तो आप जो गिफ्ट रिसीव करते हो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वो वेडिंग गिफ्ट को किसी कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो लेटर ऑन, और उससे जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम पे टैक्स लगेगा, राइट? तो इस कंडीशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आर्यम एंड प्रिया न्यूली वेडिंग कपल है जिनकी अभी शादी होने वाली है, एंड उनके एक दूर के अंकल हैं जो रिलेटिव में कंसिडर नहीं होते हैं। इनकम टैक्स की लॉ में एक रिलेटिव की डेफिनेशन भी दी गई, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक नॉन रिलेटिव। तो उनके दूर के अंकल हैं, उन्होंने उनको गिफ्ट किया एक टोयोटा फॉर्चूनर कार। तो समझते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस मीट हुई। पहला एसेट कार टोयोटा फॉर्चूनर मीट हो रही है। सेकंड इवेंट क्या है, ओकेजन ऑफ मैरिज, उनकी शादी पे उनको ये गिफ्ट मिल रहा है। थर्ड देने वाला कौन है, इंडिविजुअल, नॉन रिलेटिव है बट इंडिविजुअल है, तो कंडीशन मीट हो रही है। नाउ लेट्स कम द लास्ट पार्ट, रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, शादी वाले दिन टोयोटा फॉर्चूनर खड़ी है, तो जब वो उनको कीज देंगे तो मेक श्योर करो वो कीज आप अपने अंकल से लो, वो आ रहे और प्रिया कीज अंकल से लें और एक फ़ोटो क्लिक करवा लें, एंड जो कार की जो डिटेल्स हैं या कार का जो ओनर है वो अपने नाम पे आ रहा और प्रिया, क्योंकि वो उनके नाम पे ही होना चाहिए। मेक श्योर तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाएगी, सारी कंडीशंस मीट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया टोयोटा फॉर्चूनर जो आपने रिसीव करी एज अ गिफ्ट और वो टैक्स नहीं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल,
आपने वो आरव और प्रिया ने वो टोयोटा फॉर्चुनर कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ किया ना, जब उसको कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे थे, कार रेंटल इनकम आती है, वो जो रेंटल इनकम जो अर्न करेंगे आरव या प्रिया, उस रेंटल इनकम पे उनको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अब एक बार एग्जांपल से समझते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस टोयोटा फॉर्चुनर लेट्स से एक फ्लैट होता, राइट। फर्स्ट कंडीशन इवेंट के अगेन ओकेजन ऑफ मैरिज, सेकेंड रिसिपियंट कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल जो आरव और प्रिया है, देने वाले अंकल, रिकॉर्ड वो फ्लैट जो है वो उनके नाम पे ही होना चाहिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड जब आप कीज उनसे लो तो एक फोटोग्राफ क्लिक कर लो, यह तो हो गया गिफ्ट जहाँ पे एग्जेंट हुआ। नाउ अगर वो उस फ्लैट को रेंट पे कर देते हैं तो उसकी जो रेंटल इनकम आएगी वो टैक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको एक ही कम समझ में आ गया है कि मैरिज के ओकेजन पे कोई भी आप गिफ्ट रिसीव करो इंडिविजुअल से, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो नॉन रिलेटिव हो, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि कल को अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे पूछे तो आप उसको जस्टिफाई कर सको। और सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है कि जो भी आप गिफ्ट ले रहे हो आपके नेम पे होना चाहिए और एक फोटोग्राफ होनी चाहिए जब आप उनसे वो रिसीव करो। सो दिस इज़ राहुल जैन साइनिंग ऑफ।